फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है टोयोटा मोटर्स की तरफ से, और टोयोटा मोटर्स भारत में अपनी दो नई एमपीवी लॉन्च करने की तैयारी में है, और 2023 के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में इन्हें लॉन्च किया जा रहा है। और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी TKM ने अनाउंस किया है इनके ऑफिशियल प्राइस के बारे में और इनकी लॉन्चिंग के फुल बारे में इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है। और टोयोटा मोटर्स की ये न्यू एमपीवी करंटली अवेलेबल इनोवा क्रिस्टा से भी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, यानी कि जबरदस्त कंफर्टेबल स्पेस होने वाला है। इसमें है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। और इसके अदर फीचर्स की अगर हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो मस्कुलर बॉडी बॉनेट, इसके अलावा LED टेल लैम्प्स, एलॉय व्हील्स और अपडेटेड बम्पर अवेलेबल होगा। और इस एमपीवी में पावर ट्रेन की बात करें तो 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल और 2.0 लीटर का TNGA का एडिंस्टन साइकिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो कि माइलेज भी काफ़ी ज़बरदस्त देगा। और इस गाड़ी की मेन रेसिपी होने वाली है प्योर ईवी मोड पर इसे 21.1 किलोमीटर तक रन किया जा सकता है, यानी बिना पेट्रोल के भी इस गाड़ी को 21.1 किलोमीटर तक रन किया जाएगा। बात करें इंटीरियर के बारे में तो इसमें है वर्ल्ड क्लास का न्यू डैशबोर्ड, न्यू स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल क्लस्टर, फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और लार्ज पैनारोमिक सनरूफ, 360 व्यू डिग्री कैमरा सिस्टम, और साथ ही सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, डिस्क ब्रेक, ऑल 4 व्हील्स पावर्ड सीटें विद वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में कूल्ड ग्लोव बॉक्स होगा, साथ में सीट अपहोल्स्ट्री इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा टोयोटा मोटर्स ने दो और न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट की है। फर्स्ट है CNG वेरिएंट इनोवा क्रिस्टा का जल्द ही, इसके अलावा डीजल वेरिएंट्स की भी बुकिंग जल्द ही रीओपन की जा रही है। तो आप चाहे डीजल पसंद करते हैं, CNG या फिर पेट्रोल, या ऑल न्यू लॉन्च होने वाली टोयोटा मोटर्स की न्यू MPV कार अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे अपनी चॉइस और रिक्वायरमेंट के बेस पर जल्द ही। और अब बात करते हैं एक ऐसी ऑफ रोडर SUV के बारे में जिसको देख आप महिंद्रा थार या फिर न्यूली लॉन्च होने वाली मारुति जिम्नी लेने को भी भूल जाएंगे। बेशक करंट में मार्केट में ऑफ रोडर SUV महिंद्रा थार का दबदबा है और मार्केट में इसका कोई कंपेटिटर भी मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जहां पर मारुति सुजुकी जिम्नी लॉन्च होने वाली है वहां पर एक नई ऑफ रोडर SUV का नाम भी काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, और ये है ऑफ रोडर SUV ब्रोंको। और ये प्रीमियम सेगमेंट की ऑफ रोडर SUV है और ये महिंद्रा थार और अपकमिंग मारुति सुजुकी जिम्नी से भी पावर और कंफर्ट्स दोनों में ऑफ रोडिंग सेगमेंट में काफ़ी दमदार है। और इसकी टेस्टिंग इंडियन मार्केट में चल रही है यानी ब्रोंको SUV की, और यह भी इंफॉर्मेशन है कि इसे भारतीय बाजार में पेश किया जाए। देखने के बाद ये बिल्कुल साफ होता है कि यह महिंद्रा थार से बिल्कुल अलग है, और जहां पर डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी द्वारा इसके दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट है इसका हार्ड कोर वर्जन जो 2 डोर और 4 डोर के साथ में है, जबकि दूसरे वेरिएंट में ऐसा नहीं है, ये देखने में आपको बिल्कुल अलग नजर आता है। और इसमें मल्टी इंजन ऑप्शंस है, 2.3 लीटर का इको बूस्ट 4 सिलेंडर इंजन, सेकेंड है 2.7 लीटर का इको बूस्ट V6 इंजन, और 7 स्पीड का मैनुअल और 10 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बेस मॉडल में 255/70R16 टायर हैं, 16 इंच के व्हील, और इसके अलावा टॉप स्पेक में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। और बात करें अगर इसके 4 डोर वेरिएंट की तो इसे 4x4 या 4x4 ऑप्शंस में परचेज किया जा सकता है। और टाटा मोटर्स की एक ऐसी कार जिसको खरीदने को टूट पड़े हैं लोग, और अब तक 35,000 से ज़्यादा यूनिट सेल हो चुकी हैं। स्वयं आनंद महिंद्रा ने भी इसकी तारीफ की है, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक जो 35,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इस बारे में आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट किया है वहां पर आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि मार्केट में टाटा मोटर्स जैसे कंपटीटर का होना जरूरी है और ये हमें मार्केट में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही कंपटीशन के लिए इनोवेशन करने की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महिंद्रा ने XUV 400 इलेक्ट्रिक SUV को सितंबर में पेश किया था, और अब ऑटो एक्सपो 2023 में इसे शोकेस किया जाएगा, और उसके बाद जल्द ही आपको ये महिंद्रा के शोरूम पर मिल पाएगी। बात करें इसके कंपटीशन की तो टाटा नेक्सॉन से आप इसका सीधा मुकाबला कर सकते हैं। बेशक करंट में टाटा के पास इस समय इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में 80% मार्केट शेयर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस भी टाटा मोटर्स के पास हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट SUV में इलेक्ट्रिक नेक्सॉन है, सेडान में टिगोर है, टियागो हैचबैक में है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस टाटा मोटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक मार्केट में दिए गए हैं।
और दोस्तों, अगर आप मारुति की न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो ईयर एंड के बेस्ट ऑफर लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें कि आपको 1 जनवरी से पहले इसमें काफ़ी अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं, क्योंकि 1 जनवरी से मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों को महंगा करने वाली है। और ईयर एंड के इस स्टॉक क्लियरेंस सेल पर मारुति सुजुकी द्वारा काफ़ी बेस्ट ऑफर लॉन्च किए हैं, जिसमें फर्स्ट है मारुति सुजुकी की मोस्ट माइलेज देने वाली गाड़ी ऑल्टो K10, जिसके मैनुअल वेरिएंट पर 52K का बेनिफिट होगा। दूसरी ओर AMT वाले वेरिएंट पर 22K का और CNG वेरिएंट पर भी 45K का बेनिफिट होने वाला है, जिसमें कैश डिस्काउंट्स, कॉरपोरेट ऑफर और एक्सचेंज ऑफर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपकी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जिस पर 46K का बेनिफिट होगा मैनुअल वेरिएंट पर। AMT वेरिएंट पर होगा 21K का, CNG पर होगा 45K का। सैलरियों की बात करें तो 45K का टोटल प्रॉफिट मिलने वाला है पेट्रोल के मैनुअल वेरिएंट पर 36K का और AMT वाले पर 21K का। वैगनार की बात करें, जो कि आपकी काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है मारुति की, तो मैनुअल वेरिएंट पर 42K का बेनिफिट होगा, AMT पर 22K का और CNG वेरिएंट पर 22K का बेनिफिट होने वाला है। ऑल्टो 800 की बात करें तो उसके हायर ट्रिम्स पर 42K का बेनिफिट है, जबकि एंट्री लेवल यानी कि बेस लेवल पर केवल 17K का, जबकि CNG वेरिएंट पर 40K का बेनिफिट अच्छा खासा आपको मिलेगा। और अगर आप डिजायर परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो 32K का बेनिफिट होगा, मैनुअल पर होगा 17K का। हालांकि इसके CNG वेरिएंट पर मारुति द्वारा कोई भी डिस्काउंट्स नहीं दिया गया है। स्विफ्ट की बात करें तो अपने AMT और मैनुअल दोनों ही वेरिएंट पर 32K का बेनिफिट मिलने वाला है, जबकि मारुति सुजुकी स्विफ्ट हैचबैक के CNG वेरिएंट पर केवल 15K का यानी 15,000 का ही बेनिफिट होने वाला है। तो मारुति सुजुकी द्वारा ईयर एंड पर ये बेस्ट ऑफर लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आपके साथ वीडियो में शेयर किए जाएंगे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स, जैसे कि रेनो इंडिया, टाटा मोटर्स, हुंडई, किया और MG मोटर्स के जो ऑफर्स आपके लिए ईयर एंड पर लाए गए हैं। और दोस्तों, अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखें। और अगर आप करंट में ऑन करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस, अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए चैनल पर स्क्रीन पर शो की जा रही है, इसके अलावा ऑलवेज आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाती है, जहां से आप क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां पर फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी इंस्टाग्राम क्वेरी है या फिर यूट्यूब क्वेरी है, उनका विदिन 24 आवर्स में चैनल टीम द्वारा आंसर दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ शेयर करके एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं चैनल के साथ केवल इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।